मोदी ने नया संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है, जो कई सुर्खियों से लैस है। इसकी सुरक्षा ही नहीं बल्कि साइबर सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। इसको लेकर संसद के अधिकारियों की टीम ने कई देशों का भी दौरा भी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन का उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। नए संसद भवन में आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था को स्थापित किया गया है। इसको लेकर संसद के अधिकारियों की टीम ने कई देशों का भी दौरा किया। आइए जानते हैं खास सुरक्षा कवच के बारे में। संसद की नई इमारत में थर्मल इमेजिंग सिस्टम लगाया गया है। इससे संसद भवन परिसर में किसी भी तरह की घुसपैठ का आसानी से पता लगाया जा सकेगा। नए संसद भवन में साइबर सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए दो अलग अलग सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सेंटर स्थापित होंगे। संसद भवन परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को रोकने के नए आई कार्ड से लेकर कई स्तर के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इनमें बैरियर्स, बाड़ और चौकियों पर आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस सुरक्षा बलों की तैनाती है। पुरानी संसद का आकार गोल है, जबकि नए संसद भवन को तिकोने आकार में डिजाइन किया गया है। नए संसद भवन की बात करें तो लोकसभा में 888 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों को बैठने का इंतजाम है। दोनों सदनों के संयुक्त सत्र के वक्त लोकसभा में ही 1272 से भी ज्यादा सांसद साथ बैठ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।